नालंदा जिले में पीरामल फाउंडेशन और जिले के पत्रकारों के बीच एक बैठक रविवार को सदर अस्पताल परिसर में आयोजित हुई। बैठक में पीरामल फाउंडेशन के प्रभात कुमार, संजय सुमन, शैलेंद्र कुमार, सतीश, राजीव, मिथिलेश और डॉक्टर सुपर्णा समेत कई सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में जिले भर के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। बैठक में पीरामल फाउंडेशन के मिशन और विजन के बारे में चर्चा की गई, साथ ही पीरामल फाउंडेशन किस तरह से लोगों के बीच कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर जागरूकता और विकास में कैसे मदद करेगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। उक्त वहीं प्रोग्राम निदेशक संजय सुमन ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थान पीरामल फाउंडेशन द्वारा पूरे भारतवर्ष में राज्य और केंद्र सरकार के साथ मिलकर सामाजिक विकास के प्रति कार्य किया जा रहा है। कार्य का उद्देश्य यह है कि समुदाय के जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक हर चीज की जानकारियां पहुंचें, उन्हें समझ मिले, उनके साथ मिलकर हम लोग बदलाव करें और भारत निर्माण की बात करें। और इसी कड़ी में अब हम लोग मीडिया के साथ आगे बढ़कर इन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि पत्रकारों की लेखनी, उनकी कहानी एक लिमिटेड लोगों तक न पहुंचे बल्कि राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर तक एक व्यापक पहचान बने। और किस लेवल पे कैसे काम चल रहा है? एक संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, पीरामल फाउंडेशन है, और हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, जिसमें बिहार भी है, और दो बिहार सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारा जो फोकस है जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे डिजिटल भारत हो गया, स्पिरिचुअल भारत हो गया, और जो क्षमता बढ़ाने के लिए PSL हो गया, और चौथा जो है हम ट्राइबल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये चार एक अलग बेट जिसको हम लोग कहते हैं, आप कह सकते हैं कि इनके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। बिहार के त्रिशूर जिला में काम कर रहे हैं, और आकांक्षी जो 61 ब्लॉक है वहाँ हमारी काम है। इसके अलावा नॉन आकांक्षी ब्लॉक जैसे नालंदा में, इन्होंने जैसे दो ब्लॉक बताया, सर मेरा चंडी, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। और काम का उद्देश्य ये है कि देख कि समुदाय के जो अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम पायदान पे हैं, वहाँ तक जानकारी मिले, उनकी समझ बढ़े, और साथ में मिलके हम लोग जो एक बदलाव करें, एक भारत निर्माण की बात करें, एक ऐसे भारत की सोच करें जिसमें लास्ट माइल जो व्यक्ति है उन तक भी वो पहुँचने चाहिए, जो उनके अधिकार है उनसे वो लाभ प्राप्त हो। और आज की जो ये एक बैठक हुई है, मैं आप सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक पीरामल फाउंडेशन का फोरम नहीं है, ये फोरम हम सभी साथियों का फोरम है, ऐसे मीडिया के साथी जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल, हाइपर लोकल मीडिया। इसका अर्थ यही होता है कि ऐसे मीडिया के साथी जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनकी एक पहचान न कि ब्लॉक और जिला और राज्य स्तर पे बने बल्कि राष्ट्र स्तर पे बने, उनकी लेखनी हो, उनकी कहानी हो, सिर्फ लिमिटेड लोगों तक न पहुंचे बल्कि ये एक व्यापक रूप में उनकी अपनी पहचान बने। और साथ साथ में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलके एक ग्रुप के रूप में हम लोग हर महीने बैठक करें, कोई विषय पे चर्चा करें, ताकि एक ज्ञान का आदान प्रदान भी हो, आपसे हम सीखें और हम कुछ अगर बाहर से भी कुछ साथी लाएं, सब लोग मिलके सीखें, और एक दूसरे का सम्मान, आज के डेट में एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है, और साथ साथ में रिकग्निशन, जैसे हमारे बीच में कोई साथी ने कोई अच्छा लेखनी लिखा, कोई कहानी लिखा, या एक ऑडियो वीडियो कुछ बनाया जो कि समाज के बदलाव का सूचक है, जो आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँच रहा है, तो उनको सम्मानित भी करें। प्रयास ये रहेगा कि हम लोग अकेले ना चले, जिला प्रशासन सब लोग मिलकर साथ में मिलकर चले, तो यही एक संवाद है कि हम लोग सब लोग मिलकर इसको और मजबूत बनाएं, इस फोरम को अपनी कहानियां शेयर करें, एक दूसरे के साथ और मजबूती से खड़े रहें, और नालंदा को जो है एक नई ऊंचाई पे पहुंचाएं। क्या परिचय हुआ सर? जी मेरा नाम संजय सुमन है और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ पीरामल फाउंडेशन।